हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो आज का मेरा व्लॉग है, ईद की शॉपिंग के लिए हम जा रहे हैं, उसके हिसाब से मैंने बनाया है। तो अभी हम ईद के बच्चों के कपड़े लेने जा रहे हैं। अभी हम शारा फैसल पर है, अली यंग के तो हमने कपड़े ले लिए थे, अभी सबीका के दो तीन कुर्तियाँ लेनी थी। तो अभी हम अवामी मरकज़ जाए जो इम्तियाज़ के बराबर में है। तो पहले से अवामी मरकज़ कहते थे, अब इसका नाम मेरे ख्याल में चेंज हो गएगा, तो ई ओ भी आई है मेरे ख्याल में, तो लेकिन वो मशहूर अवामी मरकज़ के नाम से है। तो रमज़ान में हम शॉपिंग नहीं करते क्योंकि गर्मी बहुत होती है और फिर रश भी बहुत होता है, रोज़े में शॉपिंग किया नहीं जाता है। तो रमज़ान से पहले हम ईद की शॉपिंग कर लेते हैं। अच्छा, मैं हम यहाँ शॉप पर पहुँच गए हैं, तो यहाँ पर सेल भी लगी हुई है। 1999 के 3 पे सूट थे और यह था मेरे ख्याल में 2250 का, लेकिन सेल में 1950 के इन्होंने रखे हुए थे सूट। और ये हम अंदर आ गए अभी। ये मैं सबीका के लिए कुर्ती देख रही थी, ये लाइट पर्पल कलर है इसका। ये आजकल जो कपड़ा चला हुआ है पेपर कॉटन, ये उसके ऊपर काम हुआ हुआ था, आजकल पेपर कॉटन बहुत चला हुआ है। तो ये था तो प्यारा, लेकिन इसकी ज़रा फिटिंग मुझे थोड़ी तंग लग रही थी, इसीलिए मैं ये चेक कर रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा गुंजाइश भी नहीं है अंदर, इसलिए फिर मैंने ये सूट नहीं लिया था। यहाँ पे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, हर किस मीडियम लार्ज हर साइज़ के आपको मिल जाएंगी कुर्तियाँ। एक ही मैंने शॉपिंग में कुर्ती देखी थी, तो इसको साइज़ मुझे थोड़ा तंग लग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा बड़ा साइज़ दिखा दो। फिर मैं इन चीज़ें आपसे नाप के चेक कर रही थी, मुझे इसका साइज़ थोड़ा तंग लगा क्योंकि कॉटन लोन जो है ये एक दफ़ा धुलने के बाद शीलिंग हो जाते हैं, तो एक दफ़ा जब वॉश हो जाए ना हो जाते हैं ना, तो उसके बाद इसका साइज़ और तंग हो जाता है। तो थोड़ा कुर्तियाँ तो फिर लूज़ ही अच्छी लगती है और गर्मियों में तो ख़ास तौर पर लूज़ ही पहननी चाहिए। तो मैंने की शॉपिंग टिंग इसका कुर्ती ली सबीका के लिए। देखिए येलो कलर भी बहुत अच्छा था और ये काई ग्रीन था, इसके ऊपर शीशे लगे हुए थे। आजकल जो फैशन में है ये थोड़ा रेशमी टाइप का सा कपड़ा था, तो ईद पे तो गर्मी होती है इसलिए मैंने ये वाला नहीं लिया। बाकी लॉन वॉन के थे, यहाँ पे हर तरह की चीज़ें थी और बैग भी काफ़ी अच्छे अच्छे बैग थे, आप भी देख सकते हैं, बैग भी अच्छे अच्छे थे। मेरे ख्याल में 1899 के थे, मैंने प्राइस इसकी देखी नहीं, मैं लेना नहीं था तो मैंने फिर प्राइस भी नहीं देखा। ये देखिए ये बैग बहुत अच्छे अच्छे बैग थे। और लीलन, ये लीलन की भी कुर्तियाँ थी, ये 1650, 850, 999, इस तरह के अलग अलग प्राइस की कुर्तियाँ थी। तो मैं ये वाइट ट्राउज़र चेक करती थी, लेकिन इसकी लेंथ काफ़ी लंबी थी, 37-38 थी, और इन्होंने मुझे पिंक ट्राउज़र निकल के दिखाया था जो मैंने पिंक कुर्ती ली उसके साथ के लिए, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि सेम पिंक अच्छा नहीं लगा था, कलर ना आगे पीछे हो रहा, बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, और इसकी लेंथ भी ज़्यादा थी। और ये लॉन की कुर्ती थी और वो मुझे लीलन टाइप की दिखा रहे थे, तो मुझे फिर कपड़ा भी अच्छा नहीं लगा इसलिए फिर मैंने वो कुर्ती नहीं ली। तो उन्होंने कहा कि ऑफ वाइट या वाइट ट्राउज़र ले लें, तो वो मैंने चेक किया, लेकिन उसकी जो नहीं ये लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी और उसके ट्राउज़र के पांचे पे काम हुआ हुआ था। अगर मैं नीचे से लेंथ की कटिंग करती तो काम इसका कट जाता, इसलिए फिर मैंने ट्राउज़र नहीं लिया, मैंने कहा चले आप रहने दें। और मैंने ये ग्रीन कुर्ती ली, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, इससे पूरा शीशे का काम हुआ हुआ था। तो एक ये ब्लैक पे भी शीशे का काम हुआ हुआ था, भी अच्छा लग रहा था। और ये इसका कपड़ा बहुत अच्छा था, गर्मियों के हिसाब से सिंपल सा था लेकिन काफ़ी अच्छा था। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट प्राइस में कुर्तियाँ थी, देखिए यहाँ पे सेल भी लिखा हुआ आप सेल में, और ये लेडीज़ जेंट्स हर तरह के, छोटे बच्चों के, बेबी बाबा सबके थे, ज़्यादा छोटे बाबा बेबी के नहीं थे, मेरे ख्याल में 5-6 साल तक के बच्चों के थे। और लोगों की कुर्तियाँ थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, शर्ट पीस खाली। एक मुझे ग्रीन ये बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन ये काफ़ी लूज़ था, तो इसका काम भी अच्छा, बिल्कुल बारीक नफासत से काम किया हुआ था। जब ये आप काफ़ी ऊपर था तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे उतार के दिखा दें,
इसके गले पर आइसक्रीम पे काम हुआ हुआ था और इसके बैक साइड पे भी काम हुआ हुआ था। ये बहुत प्यारा लग रहा था, ये मुझे काफ़ी लूज़ लगा। ये देखिए इसके बैक साइड पे भी काम हुआ हुआ है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सूट। और ये देखिए रेडीमेड ये थ्री पीस सूट है, ये 1999 के थे सूट। वैसे तो क्या नाम है 2250 के थे, लेकिन सेल में 1999। और ये बच्चों के साथ साथ ये जेंट्स की भी शर्टें थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था आप भी यहाँ देख लें, तो उन्होंने कहा नहीं मैं बाद में आके देखूँगा। और यहाँ पे ये क्लच, बेल्ट, टी शर्टें, पैंट, कैप्स, हर तरह की चीज़ें थी। और ये लियान मुझे बहुत तंग कर रहा था, क्योंकि चल चल के केरे में थक गया हूँ, तो नीचे बैठ गए थे लियान। और ये मियाँ मेरे मियाँ काउंटर पे पैसे दे रहे हैं। और हम अच्छा, तो अब हम ये दूसरी दुकान शॉप पर आ गए थे। यहाँ से मैंने अलीजान की दो पैंटें ली थी, क्योंकि अलीजान और अलियान की शॉपिंग हो गई थी, बस पैंट लेनी थी। तो यहाँ पे भी अच्छी वैरायटी थे जेंट्स के, जो टी शर्टें, जीन्स की पैंटें वगैरह, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। तो हमने यहाँ से खाली अलीजान की दो पैंटें ली थी। ये पैंटें भी यहाँ इनके पास अच्छी पैंटें थी, लेकिन मैंने सिंपल सी सादी पैंट ली थी। तो अब यहाँ से हम पैंट लेके बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और ये बाहर भी इनके कपड़े इन्होंने लगाए हुए थे हैंगर के ऊपर, और अलग अलग प्राइस थे बच्चों के गर्मियों में पहनने के हिसाब से। ना ज़्यादा बुरे थे ना ज़्यादा अच्छे थे, बस सही थे कि गर्म पहनाने के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं ये कपड़े। 150 में भी थे, 200 में भी थे, 250, 350, अलग अलग प्राइस के यहाँ पे कपड़े थे। और ये ट्राउज़र वगैरह, कुर्तियाँ वगैरह, इस तरह के यहाँ पे कपड़े थे। यहाँ तो बस ये आसिफ अभी यहाँ से निकल रहे हैं, अभी हमने यहाँ से पेंट ले लिए, अब हम यहाँ से निकल रहे, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। यारियान पहले आगे जा रहे थे, तो इसे मैं मना कर दी कि आप बाहर मत निकले, यहाँ छुड़ा के खुद ही चले जाते। बस हमने ले लिए, हम यहाँ से निकल गए। और मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या लिया है। तो ये हम घर पहुँच गए हैं, तो मैंने तीन खाली कुर्तियाँ ली हैंगी ये सभी का। और इत्तेफाक से ये दो का जो कलर है शॉपिंग पिंक और ग्रीन, ये दो कलर में तीनों कुर्तियाँ आ गई हैंगी। पहले मैंने एक कुर्ती ली हैगी ये शॉपिंग पिंक और ग्रीन, अंगूरी ग्रीन कलर का ये कुर्ती है। ये अम्ब्रेला स्टाइल में है, ये डबल अस्तर, यानी कि दो शर्टें, नीचे एक अंदर अस्तर है, ऊपर से इसका अपर बनाया हुआ है। उसके यहाँ पे चार गोटे की लाइन लगाई हुई है। ये देखिए ये जो अंदर से जो शर्ट है, इसके अंदर से ये चाक ओपन है, और जो बाहर का अपर है उसकी चाक बंद है। ये आप चाहे तो खाली प्लेन कुर्ती पहन सकते हैं। तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मेरे ये भी ग्रीन आ गया, और जो शीशे का काम हुआ हुआ था वो भी ग्रीन आ गया। दोनों एक कलर के सूट आ गए, सेम कलर तो नहीं है, लेकिन ग्रीन दो कुर्तियाँ आ गई। इसे गले पे इस तरह मोतियाँ चुपकी हुई थी, और इस तरह का इसका अपर का ये बांधने का भी है, और ये अपर के ऊपर पट्टियाँ लगाई हुई थी ग्रीन कलर की। ये देखिए सफाई से सिला हुआ था, इसकी स्लीव्स बिल्कुल प्लेन हैगी। और ये कॉटन लॉन सूट है, ये गर्मी में आसानी से पहन सकते हैं ये। और ये दूसरा सूट मैंने चिकन का लिया था, तो उसका मुझे ट्राउज़र अच्छा नहीं लगा, तो अब मैंने कहा कि शॉपिंग पिंग ये ट्राउज़र का कपड़ा ला के इसको फिर मैं खुद ही घर में स्टिच कर लूँगी, कि अपने हिसाब से बंदा लूज़ भी रख सकता है। रेडीमेड में ये कि तंग तंग सा ट्राउज़र होता है, और लेंथ का भी मसला आ जाता है, कि चिकन का इसका काम हुआ हुआ है कमीज़ पे, और इसके दामन पे लेस लगा हुआ है, लेस के ऊपर ये मोती टांके हुए, ये हाथ से टांके हुए मोती, पक्का बिल्कुल पक्का टांका हुआ मोती इसके दामन पे लेस है, और इसके गले के ऊपर भी लेस लगा हुआ था, और इसके स्लीव के ऊपर भी लेस लगे हुए स्लीव्स। और पैंट का जो है ये चिकन की कुर्ती थी, तो बैक साइड इसका प्लान था, बिल्कुल बैक साइड का प्लान है। ये कलर भी अच्छा लगा था बच्चियों के हिसाब से,
अब इसका मैं जब ट्राउज़र और दुपट्टा लूँगी तो आखिर में आपको एक दफ़ा इसका दोबारा से दिखाऊँगी कि किस तरह ट्राउज़र और दुपट्टे के साथ ये लग रहा है। और दूसरा मैंने ये ग्रीन लिया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, इस पर पूरे शीशे का काम हुआ हुआ था। आजकल मिरर वर्क बहुत इन है, तो ये तो मशीन से रेडीमेड पे जो कुर्ती है, रेडीमेड जो कुर्तियाँ होती है ये लोग मशीन से शीशे लगाते हैं। मैंने भी अपने सूट पे लगाया है, आपने वीडियो देखी भी होगी, तो जो हम हाथ पे हाथ से घर में लगाते हैं उसमें ज़्यादा सफाई होते हैं। और इसके स्लीव पे एक कफ बना हुआ था, और इसके स्लीव पे इसके ऊपर के कोने से जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पे शीशे लगे हुए थे बंच स्टाइल में, और इसकी तावीज़ पट्टी बनी हुई थी, तावीज़ पट्टी के ऊपर भी काम था। ये बटन इसका ज़रा ज़्यादा खुला था, ऊपर ही एक बटन था, लेकिन मैं बीच में इसके एक बटन लगा दूँगी, काफ़ी ये गैप से एक ही बटन लगा हुआ है, दो बटन तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके पूरे गले पे इसका काम हुआ हुआ है, और इसका ये दामन आप देखिए गोल दामन है। इसका कपड़ा भी अच्छा है, कॉटन लॉन है, गर्मी में आसानी से बच्चियाँ पहन सकती हैं, बच्चियाँ क्या बड़े हर कोई पहन सकते हैं गर्मियों में। ये देखें इस तरह पूरा शीशे का काम हुआ हुआ है, तो ये ग्रीन कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, इसलिए फिर ये मैंने कलर की वजह से लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसका कलर, और ये जो काम है ना इस कपड़े पे ज़्यादा उठ रहा था इस कलर के ऊपर। और इसकी प्राइस ये मैंने ली थी 1650 की प्राइस थी, ये 1650 की कुर्ती, खाली कुर्ती 1650 की ली थी। अच्छा इसके ट्राउज़र और स्टॉलर के साथ 2200-2300 का मेरे ख्याल में ही सूट पड़ जाएगा, आप इसका ट्राउज़र लेंगी दुपट्टा लेंगी। अच्छा ये जो मैंने पहली कुर्ती दिखाई थी तो इसका मैंने उस टाइम सही से करके दिखाया था, देखिए इसकी ये चाक इस तरह बंद थी, ये आगे से पूरा सब बन चौक है। मैंने कहा एक दफ़ा दोबारा आपसे दिखा दूँ इसको, पहले मैंने सही तरह नहीं दिखाया था, ट्रैपोर्ट पे मोबाइल रखा हुआ था तो वीडियो सही नहीं बनी थी, अपने हाथ में लेके बना रही हूँ। इसके जो यहाँ पे बीन्स जो होते हैं ना, ये एक एक बीन्स इन्होंने चिपकाए हुए थे, ये टांके हुए नहीं थे, चिपकाए हुए थे बीन्स। और इसका क्या नाम है, इस पर सर इस पर थप्पे वाला जो काम होता है वो काम हुआ हुआ था इसके ऊपर, सिर्फ इसकी प्लान थी। और ये हमने कुर्ती ली थी, ये हमने 999 की कुर्ती ली थी, इसके पहले मैंने आपको प्राइस नहीं बताई थी, ये हमने ली थी 999 की कुर्ती ली थी। आपकी मर्ज़ी है, गर्मी में इसको डबल पहने सिंगल पहने, क्योंकि अलग हो सकते हैं ये साथ इसके ना ज्वाइन नहीं हुआ हुआ अलग है, ये देखिए आप ये आप अलग भी पहन सकते हैं, बाहर से अपर से आते हैं ना वो साइडों से फिटिंग के साथ जुड़े हुए होते हैं तो वो आप अलग नहीं पहन सकते, तो ये बिल्कुल अलग है, आप अलग भी पहन सकते हैं इसको। मैंने आपको पहले इसका बैक साइड नहीं दिखाया था तो मैं भी आपको बैक साइड दिखाती हूँ, इसका बैक साइड इस तरह है बिल्कुल, ये बैक साइड बिल्कुल सादा है इसका, इसके फूल बने हुएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, तो कैसी लगी, तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। अच्छा मैं आखिर में आपको दिखाती हूँ, मैंने इसके साथ बस अभी जूते वूते तो नहीं लिए, मैंने इसके साथ चूड़ी है, बस एक चूड़ी का सेट लिया था, ये पहले लेके रखा हुआ था, तो ये मल्टी कलर में चूड़ी है, ये इसके ऊपर मोतियाँ लगी हुई होंगी, तो ये आप जो है हर कपड़े के साथ चला सकते हैं, ये मल्टी कलर में है ना तो इसलिए हर कपड़े के साथ आप इसको पहन सकते हैं। ये शॉपिंग पिंक के ऊपर भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये ग्रीन वाले के ऊपर भी अच्छा लग रहा है, यानी कि और ब्लैक सूट के ऊपर आप पहनेंगे उसके ऊपर भी अच्छा लगेगा। इस तरह की आप एक चूड़ी ले लें तो वो हर कपड़े के ऊपर आप चला सकते हैं, तो ये ख़राब भी नहीं होती, मोती पूरे धागे के साथ अच्छी तरह टंका हुआ, इसे चिपकाया हुआ नहीं, अच्छी तरह से टंका हुआ है ऊपर से। ये देखिए आप इस वाले कपड़े के साथ भी ये उठ रहा है, यानी कि हर कपड़े के साथ उठ रहा है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो ज़रूर बताना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, तो मैं आपको अपने
अगले वीडियो में मिलती हूँ कोई अलग सी वीडियो लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।